4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें हम उन अजीम शहदा की याद में मनाते हैं जो कि आग पर काबू पाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। जब भी हमें कोई भी फायर की कॉल मौसूल होती है तो हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने से पहले हमने अपनी तैयारी करनी होती है, पीपी पहनना होता है और वहाँ तक अप्रोच करनी होती है। बाज़ औक़ात फासला तवील होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। इसके लिए अवाम को चाहिए कि वह अपने घरों में फायर सेफ्टी आलात नसब करें ताकि इमदादी टीमों के पहुँचने से पहले वो आग पर काबू पा सकें। फायर फाइटर का इंटरनेशनल डे 4 मई को जो रेस्क्यू 112 भी सेलिब्रेट करती है, इसका पर्टिकुलर पर्पज़ ये है कि हमारे एमरजेंसी का लोगों को एहसास तहफ़ देते हुए जो फायर में लोग शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। पर्टिकुलरली जो रावलपिंडी में इंसिडेंट हुआ था गखड़ प्लाजा में, उसमें हमारे 4 रेस्क्यूअर्स 4 फायर फाइटर जो शहीद हो गए थे उनकी कुर्बानियों को, और यहाँ पे जो बखर में या ओवरऑल पंजाब में जितने फायर फाइटर्स हमारे आग को कंट्रोल करने के लिए लोगों को जो एहसास तहफ़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों को सलूट पेश करना है। लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लाखों रुपए एक घर को बनाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप चंद हज़ार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग चंद हज़ार लगाकर वो फायर फाइटिंग की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए सिर्फ अपने घर बनाएं, स्मोक डिटेक्टर लगाएं और इमरजेंसी अलार्म्स लगाएं अपने घरों पे, ताकि आपको अपना तहफ़ भी फराहम हो और जो इमरजेंसी इदारे हैं उनको भी अपने काम को संभालने में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। मई का जो दिन है हम अपने उन शुहदा फायर फाइटर की याद में मनाते हैं जो जिन्होंने अपनी जानों का नजराना लोगों की प्रॉपर्टी और जानें बचाने के लिए दे दिया। ये हम इस दिन अहद करते हैं कि हम हर वक्त, ठीक है, किसी भी इमरजेंसी के लिए चाहे वो आग की है चाहे किसी किस्म की है, हमारे फायर फाइटर, हमारे EMT, हमारे रेस्क्यूअर जितने भी हैं वो 24 घंटे हर वक्त आग से लड़ने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।